कांग्रेस की जो बैठक होनी है उस पर हार्दिक पटेल को लेकर कोई फैसला होगा या नहीं होगा, लेकिन जो फैसला होगा उस पर पूरे राजस्थान की नजर है, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कल बैठक होनी है और इस बैठक के दौरान 25 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन भी किया जाएगा। कल तस्वीर साफ हो जाएगी उम्मीदवारों के अंतिम पैनल बनाने के लिए। कल दिल्ली के 15 GRG में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी। इस दौरान तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, लेकिन खास ये रहेगा कि क्या नामों पर फैसला हो पाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस का मंथन लगभग पूरा हो गया है। अब शुक्रवार को दिल्ली में 15 GRG यानी कांग्रेस के वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग होगी। मीटिंग से पहले कांग्रेस ने 4 राउंड की मीटिंग कर ली है। पहले 8 सिविल लाइन्स पर बैठकों का दौर चला और उसके बाद दिल्ली के पंजाब हाउस में महामंथन हुआ। महामंथन के बाद CM हाउस पर लंबी मंत्रणा हो चुकी है। अब टिकट का मंथन अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। कांग्रेस अपने दम पर सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा, इसलिए सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार तय होंगे। उम्मीदवार तय करने के हिसाब से ये अंतिम बैठक होगी। इसके बाद तो केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होगी जिसमें प्रत्याशी फाइनल हो जाएंगे। 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। अच्छे लोगों के नाम आ रहे हैं, मुझे खुशी है कि आम राय बन रही है। अलग अलग अगर मत पहले भी थे तो अब लगभग सब लोग एक साथ बैठ कर उम्मीदवारी को लेकर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग, और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस के 4 सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे, जो अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। जानकार सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के दिग्गज नेता सभी 25 सीटों पर अपनी राय बना चुके हैं। 8 मार्च की मीटिंग में बस फाइनल टच दिया जाएगा, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा है कि टिकट का मापदंड क्या होगा। नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि क्या मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के अलावा पहले हार चुके नेताओं को मैदान में उतारा जाएगा या नहीं। वैसे केंद्रीय नेतृत्व का यही सोचना है कि विधायकों, मंत्रियों और हारे हुए उम्मीदवारों के अलावा अच्छे विकल्प देखने चाहिए, लेकिन PCC चीफ सचिन पायलट ने स्वीकार किया है कि इन लोगों में से भी विचार किया जा सकता है। आखिरकार टिकट तो उसी को मिलेगा जो जिताऊ होगा। राहुल गांधी जी की मीटिंग्स मार्च के महीने में राजस्थान में होंगी। आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है, लेकिन प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग तय हैं। इनमें अलवर और सीकर जैसी सीटें शामिल हैं, लेकिन अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर ग्रामीण जैसी ऐसी सीटें भी हैं जहां पर पार्टी को सही दावेदार दिखाई नहीं दे रहे। नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि युवा नेता वैभव गहलोत को आखिर कहां से मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि वैभव गहलोत को लेकर अलग अलग जगह से मांग उठ रही है। जोधपुर और जालोर सीट से सबसे ज्यादा चर्चा है। नेताओं के रिश्तेदारों और पूर्व सांसदों को फिर से उतारने को लेकर भी पार्टी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच अधिकांश दावेदार दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनको इंतजार टिकट घोषणा का है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। यानी कांग्रेस की नजर टिकी हुई है कल की बैठक पर कि 25 सीटों पर क्या फैसला हो जाएगा। दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानकारी जरा लेते हैं। अदिति, क्या माना जाए कि कल लगभग 25 सीटों के नाम फाइनल हो जाएंगे, चाहे उसकी घोषणा की जाए या ना की जाए? देखिए, पहले पंजाब भवन में जो अभी 3 दिवसीय बैठक कुछ समय पहले थी, उसमें पैनल तैयार कर लिया गया था और पैनल में 3-3 नाम पूरे 25 सीटों पर थे। अब आज जिस तरीके से हमने खास बातचीत दी थी प्रभारी अविनाश पांडे से, तो उन्होंने साफ कहा कि कल की महत्वपूर्ण बैठक में उन 3 नामों में से एक सर्वश्रेष्ठ नाम होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। और उस सर्वश्रेष्ठ नाम को जब ये पूरे 25 सीटों पर चर्चा हो जाएगी, तब ये तीसरी पास देना चाहेगा और तीसरी उसके बाद फाइनल घोषणा और वो तुम्हारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो कल की स्क्रीनिंग कमेटी में जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, प्रभारी होंगे, तमाम सेक्रेटरी होंगे, इस बड़ी बैठक में उस पैनल पे फिर से जो छांटा जाएगा और सर्वश्रेष्ठ नाम होंगे। और जिस तरीके से वैभव गहलोत से लेकर तमाम मुद्दों पर जो लगातार सर्वे भी हुए हैं, लगातार कौन सी सीट पर हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण नामों पर भी विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। ये एक सेमीफाइनल माना जाए, क्योंकि 15 मार्च तक पार्टी ने तय किया है कि 15 मार्च के आसपास प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करनी है। हालांकि शुरुआत में तो बैठकों के कई दौर हुए, तो 20 फरवरी 1 तारीख दी गई थी, लेकिन लगातार इन बैठकों के बाद और हर तरीके से सर्वे और फीडबैक देने के बाद
ठीक है दीदी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि कल एक सेमी